सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, चांदनी चौक के सभी व्यापारियों को और खासकर सीटीआई को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो एक पहल की है चांदनी चौक फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में, ये बहुत शानदार पहल है। अभी ब्रजेश जी और खंडेलवाल जी मेरे को बता रहे थे कि जब इन्होंने पहली बार आइडिया आया और सोचा कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए, तो उनके मन में धक धक थी कि सफल होगा नहीं होगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, बहुत सफल रहा। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इस तरह के कई शॉपिंग फेस्टिवल्स हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कर सकते हैं, अलग अलग बाज़ारों के, जैसे आज चांदनी चौक का हुआ, कभी लाजपत नगर का, कभी गांधी नगर का, अलग अलग बाज़ारों के कर सकते हैं, सेक्टर वाइज कर सकते हैं, कभी टेक्सटाइल का कर सकते हैं, कभी फर्नीचर का कर सकते हैं, अलग अलग किस्म किस्म के वो कर सकते हैं, जहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले एक साथ मिलेंगे। और इनका प्रचार का तरीका भी ऐसा था जो कि बहुत ही लो कॉस्ट था, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रचार किया इन लोगों ने। तो जिस तरह से ये आज ऑर्गेनाइज किया गया, मैं बेहद खुश हूँ। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, प्रोडक्ट्स हैं और खाने पीने का एक फूड कोर्ट है। अभी मैं 3 दिन पंजाब में था, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर और मोहाली, इन चारों जगह हम व्यापारियों से मिले, हम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले। और पिछले 2 महीने से पंजाब के सीएम साहब भगवंत मान साहब ने अखबारों में ऐड दे दे के एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था कि हम इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये आप हमें सुझाव दीजिए। तो लगभग 1500 सुझाव आए थे, उसको सबको चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और स्टडी किया, और 58 बहुत बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए गए ऑन द स्पॉट इन 3 दिनों के अंदर। हमारे देश के अंदर पैदाइशी हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर हमें मौका मिले, देश के अंदर ही हमें मौका मिले, कोई कारण नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ सकते हैं। यही कि हमें मौका ही नहीं मिलता, सरकार जो है वो पार्टनर बनने की बजाय, फैसिलिटेटर बनने की बजाय हर चीज में अड़चन अड़ाती है, हर चीज में अड़चन अड़ाती है। अगर सरकारी सिस्टम्स को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और मौका दिया जाए हमारे व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, मुझे लगता है कोई कारण नहीं है कि हम चाइना को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीछे छोड़ सकते हैं। आप लोग के साथ आज इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने बीच में बुला के इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया। थैंक यू सो मच।